असलामुअलैकुम सजनों ते मित्रों बेलियो ते सेलियो की हाल चाल है तुहाडा ते असीं अज हाजिर होए हां एक होर वीडियो दे विच तुहाडे नाल ते अज असीं तुहानू दसांगे अपने कबूतरां ते मुर्गियां दी इहनां दी खुराक दे बारे ते चलो आओ चलने आं वीडियो दी तरफ। अज तुहानू असीं दिखावांगे कबूतर भी दिखावांगे नाले दसांगे कि गर्मी च इहनां नू किहड़ी खुराक पाई जांदी है ताकि हाइड्रेट रहन और इहनां दी सेहत ठीक रहे और बाकी शावों में तुहानू नाल नाल दसते रहांगे नाले कोई शुगर मेला भी होएगा ताकि मित्रां दा दिल भी लगा रहे ते आओ पुछने आ खुराक बारे नाले गर्मी च की एहतियातां करनियां ने वो भी पुछने आ जी। A few inches later। हाँ जी तो अभी आपको हम खुराक का पूछ के बताते हैं कौन सी खुराक डालते हैं जी। ये बताएं जट साहब कौन सी खुराक है और क्या इसका सीन है और ये क्या इससे सेहत पे कोई असर पड़ता है, ठीक रहते हैं मुर्गे नहीं ठीक रहते और क्यों आप ये खुराक इनको इस तरह देते हैं। ये देखें ये हमारी खुराक है वो जो मिक्स खाद होती है खुराक होती है ये मुर्गियों वगैरह की कबूतरों वगैरह की। ये हम भिगो देते हैं इसको पानी में कुछ घंटों के लिए ताकि ये ना गर्मियों में आपको पता ही होगा कि गर्मियों में ये इनके गले वगैरह बड़े ख़राब हो जाते हैं। ये देखें अभी इसका मुंह दिखाएं ना ज़रा आप, ये देखें अभी ये खाने की वजह से प्यास की वजह से इस तरह कर रहा है इसकी और ये अपना वेट भी गिरा देते हैं गर्मियों में। असल में मसला ये होता है कि गर्मियों में ना इनका वेट इसलिए गिर जाता है क्योंकि खाना कम कर देते हैं, खाना गर्म होता है बाजरा जो होता है वो गर्म होता है तो उसकी वजह से ये खाना थोड़ा कम खाते हैं तो उसकी वजह से हम ये करते हैं कि इसको ना पानी में काफ़ी देर भिगो देते हैं ताकि ये थोड़ा नरम हो जाए। तो ये देखिए अब कितने खुशी से ये खा रहे हैं, ये जब नरम हो जाता है ना तो इनके अच्छे से हज़म भी हो जाता है खाना और थोड़ा इनका गला ख़राब नहीं होता इसकी वजह से। ये देखें इनको कितनी आदत है, अगर मैं खुश्क बाजरा डालता ये खाना डालता इन्होंने कभी भी नहीं खाना था ये। नहीं नहीं ये बिल्कुल अच्छी बात है कि आपने ये एहतियात भी किया हुआ है, इससे ज़रा गर्मियों में जानवर जो होते हैं उनकी खुराक भी पूरी रहती है और वो सेहतमंद भी रहते हैं। उसके अलावा जो है ये आप जो है ये कितनी देर पहले इसको भिगो के रखते हैं इसका भी ज़रा बताएं ताकि लोगों को आइडिया हो। मैं इनको रात को अक्सर कोई 12-11 बजे भिगो देता हूँ, कभी मैं सुबह फजर के टाइम भिगो देता हूँ और शाम के टाइम खाना डालता हूँ। आप भी कोशिश किया करें तो सुबह फजर के टाइम खाना डाला करें और शाम के टाइम डाला करें। आजकल तो गर्मी है पाकिस्तान में तो आप डाला करें कोई 5:30-6 बजे के दरमियान इनको खाना डाला करें ताकि मौसम ठंडा ठंडा होता है आराम से ये खाना भी खा लेती हैं। और ये खाने की क्या रूटीन है, मतलब आप 2 दफ़ा डालते हैं 1 दफ़ा डालते हैं या और कितनी क्वांटिटी होती है? मेरी कोशिश होती है सुबह फजर के टाइम हम ना थोड़ा बहुत खाना इनको डाल दें ताकि इनका दोपहर का जो सीन है ना वो गुजर जाए और पानी देते हैं इनको ताकि थोड़ा ये पानी शानी भी सारा दिन खाते पीते रहें और शाम को इनको मैं अच्छी तरीके से खाना शाना खिलाता हूँ और पानी में ओआरएस डाल देता हूँ मैं। मतलब कि जिस तरह ये कैन है इनका ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जिस तरह ये कैन है, अब ये पूरे कैन में मैं 1 टीस्पून ओआरएस डाल देता हूँ पानी में ना ताकि ये डिहाइड्रेट का शिकार ना हो। नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आप जानवरों का भी प्रॉपर ख्याल रखते हैं। आजकल तो जितनी गर्मी पड़ रही है इंसान का बुरा हाल हो जाता है, अगर आप बाहर कहीं निकल जाएं काम के सिलसिले में जो भी हो तो आपको पानी की कमी और इस तरह तो इन्होंने सारा दिन बंद रहना होता है या जो होता है। और आजकल मौसम भी ऐसा है कि मतलब पिंजरे में बंद भी हैं तो इनको गर्मी जो होती है वो हो जाती है। बिल्कुल ये बात है। अब देखें मैंने मुर्गियों के पिंजरों में ना मैंने मिट्टी डाली हुई है और मिट्टी को मैं ना अक्सर रात को गीला कर देता हूँ या शाम को गीला कर देता हूँ, उसकी वजह से ये होता है ठंडी ठंडी हो जाती है फिर अंदर ये खेलते रहते हैं, इनके चूजे भी खेलते रहते हैं। बिल्कुल ये थोड़ा वैसे भी नेचुरल सा माहौल भी बन जाता है क्योंकि ये हम जिस तरह शहरी जगह पर रह रहे हैं तो थोड़ा इनको भी होता है कि ये कोई इनको मिट्टी वाली जगह हो जहाँ पर इनकी चूँचें भी नहीं ख़राब होती हैं क्योंकि इनको आदत होती है ये ज़मीन में मारने की इस तरह, तो वो थोड़ा इस तरह करके ज़मीन जो होती है उसमें मिट्टी डाली हो वो नरम हो तो इनका ज़रा रहने का जो होता है वो भी अच्छा रह जाता है। उसके अलावा ये कबूतर हैं तो जट साहब ज़रा इधर आएँ आप और हमें ये भी बताएं कि ये जो कबूतर हैं इन ये भी ये खुराक जो है खा लेते हैं, ये इनके लिए कोई आप स्पेशल कुछ करते हैं? नहीं वो भी यही खाते हैं, देखें बड़े खुशी से खा रहे हैं, पीछे आपको नज़र आ ही रहे होंगे हमारे लक्के कबूतर बड़े शौक़ से खाना खा रहे हैं तो यही खाते हैं। ये भी अपना गर्मियों में वेट गिराए थे पर मैं इनको जब भिगो के खाना देता हूँ ना तो उसकी वजह से बड़े खुशी से खाना खाते हैं ये। और आप बता रहे थे कि आपने जो है नया जोड़ा भी लाया है तो उसके बारे में भी ज़रा हमें बताएं। जोड़ा नहीं नया लाए हमने आपको दिखाया होगा लास्ट टाइम हमारे पास ये एक मेल था
ये हमारा जो उड़ता है, ये हमारे पास मेल था, इसके लिए हम फीमेल लेकर आए हैं। ये देखें ज़रा, ये बड़ी प्यारी फीमेल हमारे एक दोस्त ने हमें दी है। ये देखें, इसके साथ हमने इसका पेयर लगाया है। अच्छा, ये बड़ी बात है। वैसे जो है, मैंने सुना है ज़्यादातर सर्दियों में जोड़े बनते हैं, आपने तो गर्मियों में इन पे जो है वो आपने जोड़ा बना दिया इनका, तो ये तो आपको दुआएं दे रहे होंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? कोई बात नहीं है, जोड़ा जो मर्जी बन जाता है। अच्छा। आप जरा शरारती हैं बहुत जरा। अच्छा, ये आ रही है मुझे आपकी। अच्छा, बहुत तेज हो रहा है। ये भी वही बात हुई कि आसमानों पे जोड़े बनते हैं, तो आपने जरा नहीं नहीं ऐसा किसी बात नहीं है। अभी इसका मैं इसकी मैं फीमेल गायब करूंगा, ये दूसरी फीमेल पकड़ लेगा। अच्छा, मतलब सही खेल गया बैंच। शरारती तो फिर ये हुए ना, एक पे नहीं टिकते हैं। नहीं, हम तो वैसे ही बदनाम है, कबूतर ज्यादा हमसे जो है वो शरारती हैं। और राणा साहब, आप भी कोई रोशनी डालें इन पे, थोड़ा बताएं हमें। बस ये आज आपको दिखाया है कबूतरों के बारे में और सब कुछ दिखाया है कि खाना क्या डालते हैं। मुर्गे और कबूतर दोनों ही एक तरह का खाना खा लेते हैं, और इसके बारे में आपको बताया। आज की हमने जरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव रखने की कोशिश की है, ताकि आप लोग के... तो ये देख रहा हूँ कि ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे वो कुछ मेवा नहीं होता है, उसको ये वगैरह के वो थोड़ा वो इस तरह माहौल बनाया हुआ है। जट साहब ने हमें बड़ी इन्फॉर्मेशन की बातें बताई हैं, मतलब इन चीज़ों के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है कि इस तरह इनको के खाना खिलाना। ये देखें, ये हमारा चूजा है माशाल्लाह से, देखें आपको नज़र आ रहा होगा इसके पेट भर के खाना खाया, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अगर तो हम इसको दिखा रहे हैं वीडियो में इसको, जी जी, ये देखें माशाल्लाह से कितना सेहतमंद है, और ये देखें पेट भर के इसने खाना खाया है, इसका पोटा फुल है। अगर मैं इसको खाली बाजरा दे देता ये कभी भी खुश होकर ना खाता। अब ये गीला था ना, अब इसको अच्छे से हजम हो जाएगा बाजरा ना, बाजरा ये जो मिक्स खाना है, इसके मकई भी है, गंदम भी है, चने भी है, अभी अच्छे से हजम होगा। जिस तरह ये हजम होगा इतनी अच्छी इनकी इस पर सेहत है। माशाल्लाह इतनी क्लियर स्किन है कि अंदर खाना नजर आ रहा है। बस देख ले, गर्मी है ना, गर्मियों में पर झाड़ते हैं इसलिए। ये आपने इनकी स्किन जो केयर है ना वो भी ज़रा ड्रॉप करनी है उसकी रूटीन, ताकि पता लगे। हम सर्दियों में इनकी स्किन केयर का बताएंगे, क्योंकि सर्दियों में इनको हम सरसों वगैरह देते हैं, वो इंशाल्लाह जो सर्दियाँ आएंगी आपको साथ साथ बताएंगे हम। सही हो गया। तो इसके अलावा इन्होंने अब खाना खा लिया, तो अब वो हमें पहचान ही नहीं रहे हैं, उन्होंने हमसे दूरियाँ इख्तियार कर ली हैं। तो राणा साहब ज़रा ये देखें, ये हमें ही हमें कहते हैं बेवफा है, ये वो है। देखें इन्होंने बस अपने मतलब का काम निकाला और वो हमसे दूर हो गए। अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। दूर हो गए ये एक भाई जो हमारी बात सुन के अब आ रहे हैं हमारे पास करीब, तो ठीक हो मटकते मटकते आ रहे हैं। जी ठीक हो गया। आज की वीडियो में आपको जरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रखने की कोशिश की है हमने। अगली वीडियोस में शुगल मेला भी लगाएंगे और डिफरेंट टॉपिक्स पे साथ साथ बात भी करेंगे, ताकि वीडियो साथ साथ एंटरटेनमेंट भी हो और साथ साथ हम आपको अपने शौक भी दिखाएं। जी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियोज भी आप हमारी देखें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कहते हैं कमेंट्स करें किस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं। जी फिर मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।